टैक्स चोर बच नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स ना हिंदुगान को जायदाद से हाथ धोना पड़ेंगे। मुल्तान में टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। महकमा एक्साइज डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस से मदद भी लेगा। सहरा चौलिस्तान के मकीनों को सहूलियात की होगी फरावानी। चौलिस्तान में साफ पानी की फराहमी का ख्वाब होगा शर्मिंदा ताबीर। एमडी चौलिस्तान ने 700 मिलियन की स्कीमें प्रपोज कर दी। नई स्कीमों में वाटर सप्लाई लाइन, सड़कें और दीगर स्कीमें भी शामिल होंगी। शहर जदीद खतूत पर होगा इस्तवार। शहर में टेक्सटाइल, सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम जारी। तौसा की तासीन और आराइश के लिए फंड्स कम पड़ गए। इंतजामिया ने मजीद 28 करोड़ मांग लिए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मंसूबे बरवक्त मुकम्मल क्यों नहीं हुए, वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार हुकाम पर बरस पड़े। तौसा में स्ट्रीट लाइट्स प्रोजेक्ट में घपले की फौरी इंक्वायरी और कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मयार पर अदम एतमाद का इजहार। फोर्ट मंडरों में वाटर सप्लाई स्कीम बहाल करने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मजीद होगा फाल। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब से मुलाकात। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के तमाम रुके फंड्स फौरी जारी करने का हुक्म। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त आवाम की दस्तरस से बाहर। माह रमजान में भी मुर्गी सस्ती ना हो सकी। डेरा गाजी खान में चिकन की कीमत में 20 रुपए फी किलो तक इजाफा। उच शरीफ में ब्रायलर गोश्त 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान, हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालिबा कर दिया। डीजी खान में फ्लोर मिल्स की गाड़ियां परमिट होने के बावजूद पकड़ थकड़ का मामला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के इंतजामिया से मामला तय पा गए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का जिला में आज आटे की सप्लाई जारी रखने का ऐलान। मरकजी रहनुमा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सरदार खलीलुर रहमान लगारी कहते हैं डीएफसी ने मुकम्मल ताबुन की यकीन दहानी कराई। आवाम के साथ सहूलियात के नाम पर मजाक। मियांवाली के रमजान बाजार में गले सड़े फल फरोख्त होने लगे। उधर बहावल नगर में चीनी का बहरान खत्म न हो सका। एक किलो चीनी के हसूल के लिए आवाम जलीलो ख्वार होने लगी। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस का मुतालिबा। मुल्तान में सस्ती अशिया के हसूल ने कोरोना का खौफ भुला दिया। रमजान बाजारों में चीनी खरीदारों का रश, लंबी कतारें लग गईं। शहरी आटा और चीनी पर खसूसी सब्सिडी के बायस मुतमईन। उधर रमजान बाजारों में चीनी का कोटा 1000 किलो तक बढ़ा दिया गया। अवामी खिदमत का मिशन लिए ब्यूरोक्रेसी इन एक्शन। सेक्रेटरी बल्दिया नूरुल अमीन मेंगल का मियांवाली का दौरा। रमजान बाजार में दी जाने वाली सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। रहीम यार खान में सेक्रेटरी आसार कदीमा। ताहिर यूसुफ का ईदगाह रमजान बाजार का दौरा। सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब एहसन भुट्टा की विहाड़ी रमजान बाजार का दौरा। चिश्तिया में डीजी आसार कदीमा इलियास गुल ने रमजान बाजार का जायजा लिया। आम आदमी की जेब पे डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे, वज़ीर-ए-आला पंजाब का प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने का हुक्म। चीनी की मुकर्रा निरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा महंगाई अहम इशू है, प्राइस कंट्रोल करने के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 15 अफराद की जान ले गया। मुल्तान में 7, सरगोधा 4, बहावलपुर 3 और रहीम यार खान में एक मरीज जान बहक हुआ। सरगोधा में सबसे ज्यादा 207 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 71, बहावलपुर 56 और रहीम यार खान में 27 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। डीजी खान 25 और मियांवाली मुजफ्फरगढ़ में 6-6 केसेस सामने आ गए। रहीम यार खान में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। शेख सैद अस्पताल के कोरोना और आईसीयू वार्ड्स में बेड्स कम पड़ गए। थोरासिक सर्जरी और इमरजेंसी वार्ड में कोरोना मरीजों को मुंतकिल किया जाने लगा।
सहूलियात की अदम फराहमी पर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी बंद कर दी, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कोर्ट छुट्टा में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया इन एक्शन, दुकानदारों को 20,000 रुपए जुर्माना, खिलाफ वर्जी पर 5 दुकानें सील, मास्क न पहनने वाले 21 अफराद पर मुकदमा दर्ज। पहले काश्तकार था फिर सियासतदान बना, जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, शुगर माफिया से कोई ताल्लुक नहीं, 8 से 10 साल पुराने मामलात की एफआईआर दर्ज की गई, तीनों मुकदमात में चीनी की कीमत बढ़ाने का इल्जाम नहीं, बेबुनियाद और झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं, केसेस में सुरखरू होगा। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मेंबरान असेंबली का पावर शो, नाइंसाफी पर चंद अराकीन की इस्तीफा देने की पेशकश, वजीर आजम की कमेटी से मुलाकात पर भी गौर, तहरीक इंसाफ के परचम तले खड़े हैं, बात को मजीद आगे न बढ़ाएं वरना फैसलों में आजाद होंगे, राजा रियाज की वार्निंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद मुश्किल में, फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया, नदीम अफजल चंद की तस्दीक, कहते हैं पेज हैक हो गया है, किसी भी किस्म की पोस्ट पर तवज्जो नहीं दी जाए। खबरों की जीनत बनने वाले जमशेद दस्ती एक बार फिर मंजर-ए-आम पर, जमशेद दस्ती की घर के बाहर घर रेत और मलबा रखने पर इंतजामिया की कार्रवाई, एक्शन लेने वाले अहलकारों से तल्ख कलामी, जमशेद दस्ती ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहलकार को थप्पड़ जड़ दिया, टेलीफोनिक राबता करने पर जमशेद दस्ती ने थप्पड़ मारने की खबर की तर्दीद कर दी। डेरा गाजी खान में डिविजनल हेडक्वार्टर मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन का इजलास, डिविजनल हेडक्वार्टर पर सफाई, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, म्यूनिसिपल सर्विसेज और दीगर मामलात का जायजा लिया, तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी की। रहीम यार खान की न्यासी कॉलोनी में रोड होगा पुख्ता, एमएनए चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच और एमपीए चौधरी आसिफ मजीद ने इफ्तिताह कर दिया, 40 मिलियन की लागत से मंसूबा 10 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सरगोधा की आवाम के लिए खुशखबरी, जिला काउंसिल में सहूलत सेंटर पाल कर दिया गया, डिप्टी कमिश्नर नायला बाकिर ने इफ्तिताह किया, कहा अवामी फायदे के लिए हर इकदाम करेंगे, जिला के बाद तहसीलों में भी सहूलत सेंटर्स कायम किए जाएंगे। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान का दौरा, मुशीर सेहत हनीफ फताफी, एमपीए डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज भी हमरा, जेल में सिक्योरिटी सहूलियात और दीगर मामलात का जायजा लिया, कैदियों से मुलाकात की और फिर मसाइल सुने। डीसी लैया असफर ज़िया की जानिब से पुलिस अहलकारों के लिए इफ्तार डिनर, डीपीओ नदीम अब्बास, एडीसी जी इशफाक सियाल समेत पुलिस अफसरान और अहलकारों की शिरकत, कहा इफ्तार डिनर का मकसद मुश्किल हालात में भरपूर ड्यूटी देने वाले अहलकारों का मोराल बुलंद करना है। और रमजानुल मुबारक, रहमत और मगफरत और नेकियों का मौसम बहार, मुल्तान में तमाम मुसलमान रहमतों और बरकतों को समेटने में मसरूफ, बोहड़ गेट मार्केट में कुरान पाक की खरीदारी बढ़ गई, शहरियों की जानिब से कुरान पाक की खूबसूरत जिल्दें भी करवाई जाने लगी।